तो हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ चैलेंजर गेमिंग और आप लोगों का स्वागत है मेरे सर्वाइवल सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 में। आज मैं बनाने वाला हूँ, मैंने सोचा था अपना घर बनाऊंगा, लेकिन मैंने अपने घर के लिए सामान इकट्ठा नहीं किया और अब मुझे अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करना है। इसलिए आज मैं घर का सामान इकट्ठा करूँगा और अपने लिए कुछ प्राइमरी प्रोटेक्शन की चीज़ें बनाऊँगा, जैसे वाटर बकेट एंड शील्ड। तो चलते हैं, थोड़े चलो देखते हैं। और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं कहाँ जाना चाहिए मुझे, चलो पहले डुक्कर को मारते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग, रास्ते में कोई भी जानवर आ रहा है तो मार देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ आज फूड कलेक्शन के लिए भी चले, तो रास्ते में जो जानवर मिलेगा मुझे मैं उसे मारता चलूँगा, यही ठीक रहेगा। और गाइस, आप सब्सक्राइब किया करिए यार, इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, चार चार घंटे एडिटिंग करनी पड़ती है और आप लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते तो कितना दुख होता है। सूरज भी डूब रहा है तो सोने के लिए जाना पड़ेगा। और बाहर तो मस्त मस्त जानवर सब घूम रहे हैं, ये बिल्ली यहाँ पे घूम रही है, चलो कोई नहीं बांध देखते हैं। मैं सोच रहा हूँ जल्दी फटाफट घर बना लूँ, क्योंकि घर मुझे बहुत छोटा लग रहा है ये दिखने में भी, देखो ना इस साइड से मिलेगा घर टेरिकोटा का। चलो देखते हैं आगे जाके कि क्या हमें कुछ आज खास मिल पाता है नहीं। फिलहाल तो मुझे कुछ आसपास दिख नहीं रहा है, कोई पेड़ वेड़, मुझे कुछ ट्रीज चाहिए थे। अच्छा, एक वहाँ पे है, चलो उसको ले लेते हैं। ये इलाका मैंने पिछले शायद एपिसोड में दिखाया हुआ है, मैंने देखा था इलाका। यहाँ पे मैंने एक चीज़ देखी थी, हाँ ये वाली चीज़, यहाँ ये गुफा जो है ये बहुत नीचे तक है। तो आगे के एपिसोड में हम यहाँ कोल और आयरन वगैरह लेने के लिए जाएंगे और बहुत नीचे तक है ये, तो देखेंगे आसपास कोई विलेज विलेज भी मिलता है तो उसे भी ले लेंगे। तो आप लोग थोड़ा टाइम लैप्स का एंजॉय करिए, मैं यहाँ पेड़ वेड़ काट रहा हूँ, थोड़ा सा थोड़ा टाइम दीजिएगा मुझे, मैं काट लेता हूँ थोड़ा सा। मैं वैसे भी सोच रहा था कि आप लोगों के लिए आप लोग बताया करिए कमेंट में कि कंटेंट में क्या डाला करूँ। आप लोग भी व्यूअर्स हो तो आपको ही जो पसंद आएगा वही मैं बनाऊँगा, और बनाता हूँ या तो मेहनत तो बनाता हूँ। प्लीज़ देख के और लाइक करके जाइए करिए, आप चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसमें अगर कुछ नहीं जाएगा। फिलहाल तो मैं शीप को मार लेता हूँ क्योंकि मेरा बहुत कुछ जा रहा है, ये शीप मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है। और अगर आपको वो हटाना भी हो, अनसब्सक्राइब करना हो तो कर लीजिएगा बाद में, उसमें एक रुपया नहीं जाता आपको सब्सक्राइब करने में, लेकिन हमारी मेहनत पर थोड़ा सा खुशी मिलती है हमें। तो भाई प्लीज़ कर लिया करिए अपने भाई के लिए। अरे वाह, पहाड़ दिख गए, चलो इस पहाड़ से थोड़े मुझे बर्फ़ तोड़ के लाता हूँ। वैसे आज बर्फ़ बहुत सारा इकट्ठा हो गया, तो फिर मैं इस बर्फ़ का आज स्नोमैन बनाऊँ क्या? नहीं, पम्पकिन तो शायद पहाड़ के आसपास पड़ा होगा, फिलहाल तो गड्ढा है, गड्ढे में गया तो मर जाऊँगा, बहुत बुरी मौत, डर से भर देता हूँ। एक लास्ट डर था उसको ख़त्म ही किया। चलो थोड़ा स्नो लेके आता हूँ, फिलहाल स्नो तो बहुत सारा है यहाँ से, बहुत सारा मिल जाएगा। अभी स्नो ले जाऊंगा और फिर स्नोमैन वगैरह बनाऊंगा, और फिर स्नोमैन से अपना एक स्नो फार्म होता है ना वाला, वो बना लूंगा, मैंने देखा था कहीं ना कहीं यूट्यूब पे, तो वही वाला स्नो फार्म बना लूंगा। फिलहाल इतना स्नो काफ़ी है, चलो इन शीप्स को मार के फिर खाना वाना इकट्ठा करते हैं। मैंने कहा था ना आपसे कि आज मैं फूड भी इकट्ठा करूँगा बहुत सारा, चलो मार के इकट्ठा करते हैं। यहाँ भी एक गुफा है, मैं इसे बाद में देखूँगा, रवीन वगैरह टाइप का है, खरगोश वगैरह घूम रहे हैं, सामने गधे हैं, गधे को मारने से कुछ मिलता है क्या? नहीं कुछ नहीं मिलता, एक्सपी मिलता है कुछ भी, तो फिर इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, बाद में कभी आएगा तो मैं इसे ले जा करूँगा। और आप लोग बताया कीजिए कि कमेंट में मैं क्या क्या चीज़ें बना सकता हूँ आपके लिए। और यहाँ सुअर भी दिख रहे हैं मुझे, विलेजर्स के पाले हुए, तो इनका भी काम तमाम करना बनता है। हाँ चलो इनका भी काम तमाम किया जाता है, मैंने इनका काम तमाम कर दिया है ताकि इनका खाना अच्छा खासा मिल जाए। इनसे बहुत अच्छा अच्छा खाना मिल जाता है, जैसे पॉक चॉप, अगर कुक पॉक चॉप हो तो वह मिल जाता है। आज मैंने सोचा है मुझे आयरन इकट्ठा करना है, तो मैं कहाँ से इकट्ठा करूँगा वो सोच रहा हूँ मैं अभी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊँगा नहीं, दिखाऊँगा। फ़िलहाल तो यह सारा सामान तो मैंने ले लिया है, और यहाँ से मैंने आपके लिए चेंजेस कर दिए हैं, आपको यहाँ थोड़ा सा बदला हुआ लग रहा होगा स्क्रीन,
और आसपास यहाँ डुक्कर भी है, एक और डुक्कर है, तो इसको भी ख़त्म किया जाए। ए डुक्कर चल निकल यहाँ से। डुक्कर तो गया, डुक्कर खाना दे के गया है, और इस खाने को मैं बाद में यूज़ करूँगा अपने हेल्थ बढ़ाने के लिए। अब फिलहाल तो शायद मुझे लग रहा है कि ये जो इलाका है वो काफ़ी सुनसान टाइप का लग रहा है। ये घोड़े को बाद में मारूंगा ताकि बाद में लेदर इकट्ठा कर सकूँ। जब लेदर इकट्ठा हो जाएगा मेरे पास बहुत सारा, तब मैं उस लेदर से अपने लिए लेदर का आर्मर बनाऊँगा, नहीं कपड़े बनाऊँगा लेदर के। फिलहाल मेरे पास कुछ ब्लॉक्स शायद हैं, इन ब्लॉक्स से मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये जो प्लान बनाया था ये एक्चुअली ये था कि मैं आयरन गोलम का शिकार करने वाला था। तो ये लो, मैं चढ़ गया ऊपर, आयरन गोलम बाबा आ जाओ आपका शिकार होगा। मारो 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 मारो, मर गया मर गया। चलो इसको इसे उतारो जल्दी 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 जल्दी। ब्लॉक इकट्ठा कर लेता हूँ सारा, लकड़ी की वैसे भी कमी ही रहती है, तोड़ फोड़ के फिर अपने घर में बनाने में यूज़ कर लूँगा इनका भी। और इन विलेजर के घर भी मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया है, थोड़े मोड़े से लूट वूट मिलती है, और इतना ज़्यादा इनके पास होता भी नहीं कुछ सामान, बहुत कम ही विलेजर के पास सामान भी होता है। ये जो घर वर के इलाके हैं ये मुझे तो उतना अच्छे भी नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अब विलेजर्स रहे नहीं यहाँ पे, मतलब रिस्पॉन होना शुरू हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से मुझे चेंज करना चाहिए इलाका। मैं अच्छा सा एक इलाका ढूंढूंगा जहाँ पे कुछ आसपास बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स हो या कोई रूइन पोर्टल हो। फिलहाल इस विलेजर के घर में चेस्ट है, देखते हैं इसका चेस्ट में क्या मिल जाता है। कुछ खास मिलता है नहीं, इसमें तो बस आलू और ब्रेड है, चलो यही उठा लेता हूँ, कुछ और नहीं तो ये ब्रेड और आलू ही सही। ब्रेड तो ले लिए हैं, आलू भी लेने हैं, आलू हाँ एक ले लेता हूँ उधर से, और फिर इस तरीके से यूज़ करके सारे आलू इकट्ठा कर लिए। चलो अभी तो घर में रखवा दूँगा, पहले तो सस्ता क्यों छोरे, चेस्ट भी उठा लो। चलो इसका घर तो बढ़िया लग रहा देखने में मुझे। वैसे आप लोग बहुत मस्त मस्त, मैंने देखा है कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अलग अलग कंटेंट डालते हैं, उसका दवाया अलग ही करता हूँ। आप लोग बताया करिए कौन कौन से कंटेंट डाला कर मैं भी डाला करूँ, ताकि आप लोग सपोर्ट बस दिखाया करिए, मैं आपके लिए अच्छी कंटेंट लाऊँगा। इस अकेले वीडियो बनाने में मेरी 2 से 3 घंटे की मेहनत लगी है, तो समझा करिए। और इसमें मैं सामान रखवाया था अपना सारा, जितना सामान है। फिलहाल तो मैं बहुत सारा बर्फ़ लेकर आया हूँ पहाड़ से, तो सारा बर्फ़ रखवाऊँगा, इसके बाद में बर्फ़ के गोले खाऊँगा इससे। अभी तो सारा खाना भी पकाना पड़ेगा मुझे, और जो आयरन मिला है आज इसी का ही मैं वाटर बकेट और शील्ड वर्ल्ड बना लूँगा, क्योंकि इतना ही आयरन प्रोवाइडेड था उसके पास, ज़्यादा वो लोग देते भी नहीं हैं। चलो शील्ड बना ही लिया, और एक वाटर बकेट बनाना है। वाटर बकेट 3 आयरन को रखने से बनता है ना, हाँ ये रहा, बना लिया वाटर बकेट, पानी भी भर लूँगा। सोच रहा हूँ कि इसमें सब शायद ही आपको ये पसंद आए। अगर बीच में लैग वैग देखने को मिले तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरे पास इतना पैसे अभी तो है नहीं कि ये कुछ ठीक ठाक कर सकूँ, तो फिर भी कोशिश करता हूँ एडिट करके हटाने की कोशिश करता हूँ। अभी तो शायद फ्यूल की कमी है, तो मैं इसका ही इसी जुगाड़ का इस्तेमाल करके सारा काम कर रहा हूँ, और देखते हैं आसपास का इलाका। जल्दी वाला फटाफट ये खाना पक जाए, मैं वेट कर रहा हूँ, खाना पक जाएगा तो मैं इसे अपने साथ ले लूँगा इन्वेंट्री में। ये बोल रखवा लेता हूँ, आलू भी रखवाना ही थे मुझे, आलू भी रख दो। बाद में हम एक छोटा सा फार्म भी बनाया करेंगे वीट और बाकी सब चीज़ों के लिए, तो उसका बाद में देखा कर देखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताना कि इस वीडियो में बेस्ट पार्ट कौन सा था, आयरन गोरम को मारने वाला या कौन सा, आप जल्द आप लोग बताया करना प्लीज़, क्योंकि हर एक कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। पिछली वीडियो में भी आपके रिस्पांस बहुत कम ही थे, कुछ बहुत कम यूज़ आए, और एक ने भी लाइक या लाइक ही नहीं किया किसी ने भी। पसंद ना आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ऐसे मैंने नहीं कहा है कि नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, लेकिन लाइक दिखाया करिए भाई। लाइक अगर आप ही लोग लाइक नहीं दिखाएंगे तो फिर तभी हमारा वीडियो तो आगे बढ़ेगा, लेकिन आप लोग दिखाते ही नहीं है लाइक वगैरह। अभी एक सीन थोड़ा शायद शिफ्ट हो सकता है आपका, तो मैं आपको जगह थोड़ा वो पॉज किया था थोड़ा सा, और मेरा ध्यान हट गया था, मैंने रिकॉर्ड करना भूल गया था।
हाँ यहाँ से रिकॉर्ड करना मैंने चालू किया था। इसके बाद मैं सोचता हूँ कि सामान ले लूँ, लेकिन अब तो वीडियो ख़त्म हो जाएगी। माफ़ कर।